Hello students, welcome to Greenfield Public School and today I am going to teach you the second chapter of the 6th class which is whole numbers. Before telling it, I need to tell you something about the whole numbers. Whole numbers can be 0, 1, 2, 3 and so on. It means chalte jayenge. Jitne bhi numbers hote hain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on chalte jate hain up to infinity. These all numbers are the whole numbers. So, after telling the whole numbers, I am telling you about some procedure which is related to the whole numbers. And now first question, you need to find out the successor. What is successor? Successor is the next number. So this number is given, so iska next number kya hoga? Isme aap 1 add karoge, it is 59,999. सो इसे डेफिनेटली वन नंबर आगे क्या बनेगा 60,000. वन ऐड करके देख सकते हो आप, इसमें नीचे रख के ऐसे ऐड करके देख सकते हो. नेक्स्ट आता है प्रीडेसेसर. प्रीडेसेसर होता है जस्ट एक पहला नंबर, तो ये तो एज इट इज 7305930 से जस्ट पहला कितना आगे 929. ओके, राइट थ्री होल नंबर दैट विल बी जस्ट ऑन द राइट ऑफ 7908 ऑन द नंबर लाइन. देखो नंबर लाइन जो होती है आपकी, नंबर लाइन स्टार्ट होती है आपके अगर बीच में से लेता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और ऐसे करके आगे 1 2 3 4 प्लस में चलते जाते हैं, उधर के साइड -1 -2 ऐसे नेगेटिव में चलते जाते हैं. ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. तो इन्होंने बोला कि थ्री होल नंबर बताने. होल नंबर तो सारे नंबर होल ही है इंक्लूडिंग जीरो, जो आप नॉर्मल नंबर्स करते हो. ठीक है, होल नंबर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है. तो ये कहते हैं इससे जस्ट राइट में क्या आएगा, तो राइट में मीन्स इससे नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर, जैसे जीरो से नेक्स्ट वन, वन से नेक्स्ट टू, ऐसे इससे नेक्स्ट वन ऐड करो, इससे नेक्स्ट वन ऐड करो. तो इससे नेक्स्ट बनेगा 7909, देन 7910 एंड देन 7911. ओके, सेम बट लेफ्ट में. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लेफ्ट में पूछता है, तो लेफ्ट में एक एक कम करते जाओगे नंबर. ओके, ड्रॉ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट 0, 2, 9, 11, 17, 25. सो यू नीड टू ड्रॉ द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए 25 मैक्सिमम है, सो आप यहाँ मार्क करना स्टार्ट करो. 0 से लेके 25 तक आपने यहाँ मार्क कर लिया, और 2 को आपने पॉइंट कर दिया, 9 को पॉइंट कर दिया, 17 को, 11 को एंड 25 को, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर. 5 और 14 के बीच में कितने होल नंबर मिलते हैं, काउंट करो. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दीज आर टोटल 8. एक्सरसाइज 2.2. ओके, एट द फॉलोइंग नंबर लाइन, सिंपली एडिशन यू नो वेरी वेल. सो अगर एडिशन की बात आती है नंबर लाइन पे, तो आप इसको ये तो नहीं करना, आपने क्या करना है, 7 को पॉइंट करना है. पॉइंट करने के बाद 5 आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स योर आंसर. आंसर इज 12. ओके, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन. अब सब्ट्रैक्ट करने नंबर लाइन पे, देखो सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है, 10 को पॉइंट किया, कर लिया पॉइंट 10 को. अब सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट में जाना है और एडिशन में राइट में जाना है. सब्ट्रैक्शन में मतलब 7 लेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेस किया, तो एंड आंसर इज 3, दैट्स योर आंसर. ओके, सो नाउ थर्ड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन. देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने का देखो, जैसे 6 × 3 है, पहले आपने क्या किया, 0 से 6 तक पॉइंट किया, फिर 3 बार आपको 6 6 करना है, मतलब 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार और 6 जंप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार और 6 जंप करना है. 6 कॉलम आप जंप करते जाओगे, देन यू विल गेट द आंसर विच इज 18. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 2.3, फिल करना है इसमें. ओके, फिल क्या करना है, कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो, देन इट वुड नॉट अफेक्ट द नंबर, मीन्स नंबर सेम रहेगा, तो आपका नंबर सेम रहेगा. 0 विल नेवर अफेक्ट टू एनी नंबर, क्योंकि 0 होता है, 0 अफेक्ट नहीं करते एडिशन में, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में अफेक्ट करते हैं, एडिशन में अफेक्ट नहीं करते हैं. फाइंड सम, सम फाइंड करना है. देखो सबसे पहले, वैसे तो सिंपल सम है, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रैकेट मेंशन किए हुए हैं, देन यू हैव टू डू कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हो. ब्रैकेट के अंदर का ऐड करके यहाँ लिखा आपने, ब्रैकेट के अंदर का ऐड करके यहाँ लिखा, फिर दोनों को आपस में ऐड कर दिया. डिटरमाइन सम्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट. अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना है कि पहले क्या लिखना है या बाद में कैसे. तो मुझे पता है कि देखो 800 तो ऑलरेडी एक सोल्व टाइप की टर्म है, ये थोड़े से अनसोल्व लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेती, पहले इन दोनों को ऐड किया ये मिला, फिर 800 ऐड किया, तो थोड़ा सा सिंपल हो गया ये. एक्सरसाइज 2.4, सब्ट्रैक्ट करना और चेक करना है रिजल्ट को. सब्ट्रैक्शन आपको आता है, ये नंबर ऊपर लिखा है नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट 9 में से 1 गया, 8 6 में से 6 गया, 0 8 में से 4 गया, 4 9 में से 3 गया, 6. चेक कैसे करोगे, चेक करने के लिए नीचे के दो नंबर को ऐड कर देते हैं, अगर वो ऊपर वाला नंबर मिलता है देन आपका आंसर ठीक है. तो मैंने इसको क्या किया, ऐड कर दिया, तो आंसर वही आया ऊपर वाला. सो ये आपकी
कंफर्मेशन होगी रिजल्ट की. ओके, फाइंड डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स आपको 99 लिखना होता है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 के आगे 6 टाइम्स 0 लगाना होता है. ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस. कैसे डिफरेंस, ये ऊपर ये नीचे, और इसको सिंपली आपको माइनस करना है, जो कि आपको आता है इजीली. शो दैट, आपको शो करना है दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. तो आपने इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस कर लेना, ब्रैकेट के अंदर वाला इसमें से इसमें माइनस करके जो भी आएगा रिजल्ट यू नीड टू माइनस, इसमें से आप उसको माइनस कर दोगे. ओके, ऐसे इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला पहले माइनस करोगे, फिर जो भी रिजल्ट बनेगा इससे उसमें से इसको माइनस कर लोगे, देन यू वुड गेट द करेक्ट आंसर. एंड इफ यू आर फीलिंग सम डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क. ओके, देयर आर, ये एक क्वांटिटी दे दी, कितने क्विंटल हैं शुगर की, शुगर की क्वांटिटी दे दी है कि इतने क्विंटल शुगर हैं, ठीक है, किसी स्टोर में है, और इतने क्विंटल एंड इतने क्विंटल्स वर सोल्ड आउट, वो आपने सेल कर दिया है, ठीक है, कंसेक्यूटिव वीक, जो कॉन्टिन्यूसली वीक आए उसमें आपने सेल कर दिया. हाउ मैनी क्विंटल्स ऑफ शुगर वर लेफ्ट, कितने क्विंटल रह गया शुगर, ठीक है. तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं टोटल शुगर सोल्ड आउट, कितनी शुगर सोल्ड आउट हुई थी, 635 क्विंटल्स एंड 574 क्विंटल्स. तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो इतनी सोल्ड आउट हुई थी, ठीक है. इसके बाद लेफ्ट कितनी टोटल शुगर जो हमारे पास है, 3041 क्विंटल्स थी, और ये वाली आपने सोल्ड आउट कर दी, तो इसमें से इसको माइनस किया एंड यू गेट द आंसर. नेक्स्ट रोहित डिपॉजिटेड रेट 8569 ऑन मंडे, मंडे को वो डिपॉजिट करता है एंड विड्रॉ कर लेता है 2956 ऑन द ट्यूसडे, ट्यूसडे को विड्रॉ कर लेता है मतलब निकाल लेता है, और अगेन सैटरडे को डिपॉजिट कर देता है 2000 रुपीज़ इन बैंक. तो ये कहता है हाउ मैनी डज ही हैव इन द अकाउंट, ठीक है. तो सबसे पहले देखो कि आपका इतने थे उसमें टोटल, तो उसने क्या किया ट्यूसडे को इतने रुपीज़ निकाले, तो ट्यूसडे को कितना लेफ्ट रह गया बैलेंस, तो टोटल में से ट्यूसडे वाले आपने माइनस कर दिए, ठीक है. नाउ जो टोटल बैलेंस हुआ, अब जो सैटरडे के बाद बैलेंस हुआ देखो वो ये था, और सैटरडे को 2000 और डिपॉजिट करा दिए, तो उनको ऐड करके आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट आता है कंप्लीट मैजिक स्क्वायर. फर्स्ट अबाउट मैजिक स्क्वायर, आई नीड टू टेल यू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैजिक स्क्वायर, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज इज इट अ मैजिक स्क्वायर और नॉट. जो भी मैजिक स्क्वायर होता है, तो आप उसको कॉलम रो वाइज अगर ऐड करते हो, सपोज इन सबको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो हर एक का आंसर सेम आना चाहिए. इनको ऐड करके देखो 38 आएगा, इनको ऐड करोगे 38 आएगा, इनको ऐड करोगे 38. तो आपको कैसे पता चला, ये येलो वाले तो ये मैंने फिल करे हैं, जब ये कम्प्लीटली फिल नहीं थे, तो मैंने कैसे आइडिया लगाया कि मैंने डायगनल से देखा, डायगनल का सम भी वही आना चाहिए, 12 to 14 7 21 plus 17 कितना हो गया 38, तो 38 आ गया ये वाला, तो 38 का मतलब हो कि हर एक आपका क्या आना चाहिए 38 ही आना चाहिए. देखो मैंने यहाँ आइडिया लगा लिया 38, सबसे पहले मैंने थर्ड रो को फिल किया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो को 13 plus 8 21 plus 7 28 किसकी कमी है, 10 की कमी है, तो यहाँ 10 आ गया, 38 होने में 10 मिसिंग था, तो 10 आ गया, ठीक है. इसके बाद फोर्थ कॉलम, ये वाला कॉलम कंप्लीट किया, ठीक है, फोर्थ कॉलम कंप्लीट किया, ऐसे करके आपने सारे धीरे धीरे, मैंने यहाँ सब चीज़ें मेंशन कर दिया क्या कंप्लीट किया, जिसके भी सम में मिसिंग था वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 2.5, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, यू नीड टू सॉल्व इट योर सेल्फ. एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स इज, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स विच इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई थिंक देर वुड नॉट गोना बी एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व इट, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ, बट स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट देन आई विल श्योरली हेल्प यू. ओके, सो नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड करता है प्रोडक्ट सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो पहले आपने 160 को ब्रेक किया, क्योंकि अगर 160 को ब्रेक करूँगी तो वो सिंपल टर्म बन जाएगी 100 plus 60. ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके होगी, इस प्रॉपर्टी को यहाँ बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरोज़ आगे लगे, इनको मल्टीप्लाई करके ये आए, दोनों को ऐड कर दिया. नेक्स्ट आता है फाइंड प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट. प्रोडक्ट अब अरेंजमेंट करना है, तो मुझे पता था कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो 100 टाइप की टर्म बनेगी, 25 4 जो 100, एक ज़ीरो थी ही, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 176 के आगे 3 ज़ीरोज़, दैट्स योर आंसर. फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 times 999 लिखना है आपको, और 1 डिजिट नंबर होते हैं सिर्फ 9, ठीक है. अब इसको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप करना जानते हो तो आप कर सकते हो उसको. अ ट्रेन मूव्स अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर,
कितने से मूव करें, 95 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में 95 किलोमीटर मूव करें, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में, ओके। सो ये कहता है डिस्टेंस बताने, 38 आवर्स में कितनी कवर करेंगे, तो 1 आवर में करिए 95, 38 में इंटू 38 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 2.6। बिफोर टेलिंग एक्सरसाइज 2.6 आई नीड टू टेल यू सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। सो आप जब डिवाइड करते हो, जो ये बाहर होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो अंदर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो बाहर ये आंसर आता है आपका उसको क्वोशेंट बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर ये अंदर वाला जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आता है फाइंड द क्वोशेंट, क्वोशेंट बताना मतलब कि आंसर बताना है। 312 को 1 से डिवाइड करोगे तो 312 ही आएगा, ऑब्वियसली दैट्स योर आंसर। डिवाइड वाले क्वेश्चन है सिंपल, देन यू कैन डू इट योर सेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट 4-डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 62। एक 4-डिजिट नंबर बताना है, लीस्ट 4-डिजिट नंबर। वैसे तो मुझे पता है लीस्ट 4-डिजिट नंबर होता है 1 के आगे 30, सबसे छोटा नंबर ये होता है 4-डिजिट का, ठीक है। अब ये कहता है अगर इसको 62 से डिवाइड करो तो 62 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 4-डिजिट नंबर कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 62, ठीक है। तो आपने क्या किया इसमें, आपने 62 से इसको डिवाइड करके देखा, डिवाइड करके देखा तो 8 एक्स्ट्रा बचा, 8 जो आपका एक्स्ट्रा आया, सॉरी ये यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि 4-डिजिट बनना चाहिए, 8 में आप 62 को ऐड कर दो, क्योंकि अगर 62 में से सॉरी 8 को माइनस कर दो, वो आप ऐड करोगे तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी कमी है, अगर आप 62 यहाँ बन जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 62 बनने में 8 62 में से माइनस करके देखो किसकी कमी है, 12 में से 8 गया कितना बचा आपके पास 4, यहाँ बचा कितना 54, तो इट मीन्स क्या है ये 54 आपको चाहिए, अगर 54 इसमें और ऐड हो गया दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट आता है 9th, इज देयर अ होल नंबर पी सच दैट पी डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू पी, मतलब एक होल नंबर है जिसको उसी से डिवाइड करो और आंसर भी वही आए, यस इट इज 1, 1 को अगर 1 से डिवाइड करोगे आंसर 1 ही आएगा, बट ये कहता है इज देयर एनी अदर होल नंबर ऑफ विच दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड, कि जिसके लिए रिलेशन नहीं चलती, कोई भी नंबर ले लो इसमें आंसर नीड नॉट टू बी मैच, कि कोई भी आंसर आपका इसमें कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने 2 का लिया, 2 को अगर 1 से डिवाइड करूँगी 2 आएगा, 1 को सेम को सेम से डिवाइड करके सेम आना था, मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो यहाँ नंबर चेंज हो गया ना, तो ये होल्ड गुड नहीं हुई, कंडीशन ने होल्ड गुड नहीं किया, मीन्स कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, फाइंड द लीस्ट नंबर वी शुड नॉट विच शुड बी एडिड टू दिस, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 129 से, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 129 से इस नंबर को डिवाइड करके देखा तो 67 रिमाइंडर बचा था, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ 129 बन जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कितने की कमी है, तो 129 में से 67 को माइनस करके देख लिया आपने, ठीक है। एक्सरसाइज 2.7, आपको पैटर्न यूज़ करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। देखो पैटर्न में मुझे क्लियर पता चल रहा है कि अगर मैं इसको बना सकती हूँ 10,000 बना सकती हूँ, तो मैंने इसको 10,000 बना के माइनस 1 कर दिया, क्योंकि यही आएगा एग्जैक्ट द सेम रिजल्ट। तो फिर अब मैंने इनको पहले ऐड किया तो ये सिंपली ऐड हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट यूजिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट का यूज़ करना है, जैसे 46 इंटू 5 है, 46 को क्या लिख सकते हो 50 माइनस 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 4, 5 20, 2, 50 में से 20 गया 230, दैट्स योर आंसर। सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाई करना है इस प्रॉपर्टी का, आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करोगे इस प्रॉपर्टी का, कि इसमें से और इसमें से 24 कॉमन आ रहा है, 24 एक बार लिख लो, 521, 469, क्योंकि वापस से आप उल्टा स्टेप लगाओगे, 24 की मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी प्लस 24 की मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगी, उल्टा स्टेप लगा दिया, 24 बार इन दोनों को ऐड किया तो 1000 आया, मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दैट्स योर आंसर।